मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को मिली खजुराहो सीट पर सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। अब सपा और कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने के लिए दूसरा रास्ता देख रही है। समाजवादी पार्टी किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने वाली है। 12 निर्दलीय प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी का चेहरा समाजवादी पार्टी फाइनल करेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का कहना है कि अभी प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, किसी नाम का खुलासा पहले नहीं कर सकते हैं, नाम बहुत जबरदस्त होगा। साथ ही कहा कि सिर्फ खजुराहो सीट ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस प्रत्याशी के नाम से हड़कंप मच जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को खजुराहो से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया। सपा और कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश बताया है और अब किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देकर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। शपथ ले रहा हूँ आप सबके सामने कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। कोई किसने क्या किया मैं अभी पीछे की उसमें नहीं जाना चाहता। अब हमें क्या करना है, कितना अच्छा कर सकते हैं ये करना है। जोर से एक नारा लगाओ, डट